दीपक जी, मेरी ड्रीम कार ऑडी है, और कभी आपसे मौका मिला तो एटलीस्ट अपनी ड्रीम कार में बैठने का मौका मिलेगा। श्योर सर, आप लेके जाइए। अभी मैं 14 दिन नहीं हूं तो ये ड्रीम कार ऐसे ही नीचे पड़ी रहेगी। आप 14 दिन चलाइए, विजुलाइज कीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया, विजुलाइजेशन सबसे बड़ा टूल है जो करेक्ट मैंने करेक्ट डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया से सीखा, पावर ऑफ विजुलाइजेशन। आपको विजुलाइज करना है, जो द सीक्रेट ने भी बहुत अच्छी तरीके से सिखाया कि आपको जो भी चीज है, तो मैं ऑलरेडी विजुलाइज कर रहा हूँ। मेरे 72 MDRTs हो चुके हैं, 12 TOTs हो चुके हैं। जैसे गुरु मूवी का आप स्टार्टिंग देखोगे तो वहां पे वो जो अभिषेक बच्चन आता है और सामने बहुत बड़ा स्टेडियम है और स्टेडियम में वो देख के एक स्पीच देता है और बाद में ऑडियंस दिखता है, तो वो और पूरे मूवी में दिखाया कि किस तरीके से गुरुकांत देसाई जो है वो विजुलाइज करते थे, या धीरूभाई जो है वो कैसे विजुलाइज करते थे। तो ये सारा चीज विजुलाइज करना चाहिए सर, और आप जैसे विजुलाइज कर रहे हो, वो पहले उसका क्या है, मैं बोलता हूँ सभी लोगों को, गाड़ी से लेने से पहले उसका किचन ले लो। वो चाबी आप किस में रखोगे वो ले लो। तो वो आपने लेके आ गए, जैसे मेरा अभी अभी समझो मेरा वेस्ट जो है वो 34 का है, मुझे 32 करना है, तो उसका पेंट लगा के जिग जिगलर साहब बोलते थे कि उन्होंने जब भी अपना वेस्ट रिड्यूस किया, वेट रिड्यूस किया, तो वो जो जींस जो था उसने वहां पे टिंगा मिस लगा दिया था अपने बेडरूम में कि मुझे ये पहनना है, मुझे ये पहनना है, मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वाइब्रेशन दे रहा हूँ। और वो ओम शांति ओम का डायलॉग है ना, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुझे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं किसी चीज को तुम दिल से चाहो तो पूरी कायना उसको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये 72 जो MDRTs करने हैं एक साल में, वो पूरी कायनात मुझे मदद कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दीपक जी, अब इतना सब कुछ आपने इस काम को करते करते हासिल किया, आपके पास गाड़ी आ गई, अच्छा घर आ गया, अच्छा ऑफिस आ गया, होम लिया हम लोग ने। एनिवर्सरी नवंबर में एनिवर्सरी था और वहां पे एनिवर्सरी में हम लोग गए थे एमबी वैली, और वो एमबी वैली में हम लोग वहां पे नीचे आ रहे थे। वाइफ ने बोला अभी तक आपने मुझे एनिवर्सरी में गिफ्ट क्या दिया। मैं बोला क्या चाहिए, वो बोला लोनावाला में मुझे बंगलो चाहिए। मैं बोला चल लेते हैं, और बाद में हम लोग वहां पे लोनावाला में बंगलो डन किया। तो नवंबर में हम लोग ने बंगलो लिया एनिवर्सरी में, और मार्च में उसका बर्थडे था 29th में, तभी ये जो है ये 5 करोड़+ का घर लिया। बहुत अभी इससे ज्यादा क्या चाहिए एक एडवाइस आपको, जो बिजनेसमैन से भी ज्यादा इतना एसेट्स, इतना कैश रिच बन सकता है। वेरी मोटिवेशन, वेरी मोटिवेशन। तो ये वीडियो मुझे ऐसा लगता है दीपक जी, ये जो इंटरव्यू है ये जब लोगों के सामने आएगा, इंश्योरेंस एजेंट जब उन्हें देखेंगे तो वो तो पागल हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू बिकम मैड। दीपक जी मुझे बताइए, अभी इतना सब कुछ आपने हासिल कर लिया है, अब आप ये इंडस्ट्री को वापस कैसे देने वाले हैं? व्हाट इज योर प्लान, कैसे आप इंडस्ट्री को जो है वापस देने की कोशिश करेंगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? मेरे दो मिशन है, मिशन मतलब मैं उसके ऊपर लगा हुआ हूँ। एक मिशन ये बोलता है आई वॉन्ट टू हेल्प एंड मेंटोर 100,000 फैमिलीज टू लीव अ डिग्निफाइड लाइफ। तो मैं 1,00,000 फैमिली को जो है, कोई भी ऐसे बच्चों के सामने, किसी के भी सामने 50 में 60 में, तो उनके पास सॉलिड रिटायरमेंट प्लानिंग होना चाहिए। तो 1,00,000 फैमिली जैसे मेरा हुआ है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मेरी डॉटर जो है जानवी, उन्होंने एजेंसी लिया और वो पहले ही साल में उसका भी MDRT हो गया और ये साल में उसको TOT करना है, तो उसके पीछे वो लगी हुई है। तो वो जो है जानवी जो है उसका ऑलरेडी फाइनेंशियल, जैसे मेरा एक बुक है फाइनेंशियल फार्मिंग, और इसका हिंदी में वर्जन है धन की खेती। तो क्लाइंट बोलता है गुजराती में है धन नु वावेतर। तो ये क्लाइंट ये बोलता है ये क्या है, खेती क्या है। कोई भी मुझे बोलता है, जब भी हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में मिल गए, मूवी में कोई मिल गया, बोलता है आप क्या करते हैं दीपक, मैं बोलता है मैं फार्मर हूं। तो बोलता है फार्मर का मतलब, मैं बोला मैं फार्मर हूं, मैं धन की खेती करता हूं। बोलता है उसका मतलब, बोले धन की खेती। मैं बोलता हूँ सर आप जानते ही है आजकल लोग जो है पैसे के पीछे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, और पैसा उसके हाथ में कभी आता नहीं है, वो आइस के माफिक मेल्ट हो जाता है। तो मैं दीपक धाबलिया DD's रियल वेल्थ में हम लोग लोगों को धन की खेती करवाते हैं, जिससे उनको कभी भी धन के लिए काम न करना पड़े, धन उनके लिए काम करे। आप यही चाहते हैं ना, धन आपके लिए काम करे। तो ऐसे 1,00,000 फैमिली को जो है मैं इस तरीके से। और दूसरा मेरा मिशन है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, और वो मिशन ये बोलता है आई वॉन्ट टू हेल्प एंड मेंटोर, क्योंकि मेरा एक यूनिक प्रोसेस है, और ये यूनिक प्रोसेस में मैं फीस चार्ज करता हूँ।
मेरा फीस बेस्ड मॉडल है और ये फी में कोई प्रोडक्ट के लिए चार्ज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए तो मुझे कमीशन मिल रहा है, लेकिन मैं उसका रियल वेल्थ क्रिएशन कर रहा हूँ और ये रियल वेल्थ क्रिएशन के लिए लोग मुझे फीस देते हैं, जो मैं, आप मेरी वेबसाइट में भी जाओगे तो वेबसाइट में वहां पे moneymultiplier.dnv करके मेरा वेबसाइट है, तो वहां पे आपको मिलेगा कि मेरे अलग अलग फी के मॉड्यूल्स है और ये फी जो हम लोग लेते हैं तो वो किस तरीके से चार्ज करते हैं। और ये एडवाइजर को मैं ये सिखाना चाहता हूँ, मेंटोर करना चाहता हूँ कि मैं जो बिजनेसमैन के साथ, जैसे मैंने बताया कि मैंने ये सारे बुक्स क्रिएट किए, फॉर एग्जांपल ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बुक है, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उसके बाद में जो है एग्जामिन योर पर्सनल फाइनेंशियल हेल्थ अंडर माइक्रोस्कोप, अभी ये डॉक्टर को दिखाया, ये बोला डॉक्टर बोलता है ये क्या है, बोला एग्जामिन योर पर्सनल फाइनेंशियल हेल्थ अंडर माइक्रोस्कोप। अभी आज एडवाइजर्स को क्या मेन चैलेंज होता है कि लोग डेटा नहीं देते, लोग उनको बताते नहीं है उनका इनकम क्या है, ये क्या है। मैंने 13 ऐसे क्वेश्चन पूछे है सर कि किसी ने भी इसमें आंसर करना चालू किया, आपको एज अ प्रोफेशनल फाइनेंशियल डॉक्टर समझेंगे और ये आदमी ट्रेन हो गए इसके लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे एडवाइजर फ्रेंड को ये मेरा लोगो जो है या मेरा जो फोटो जो आता है वो मैं निकालने को उनको बोलता हूँ, मेरा फोटो निकाल दो, मेरा ये जब प्रीफेस जो है ये मनी मास्टरी कोच का जो यहाँ पे नोट लिखा है निकाल दो, आपका नाम डाल दो। तो ये बुक के सारे ऐसे 9 बुक है, तो 9 बुक के मैं राइट्स देता हूँ और मैं बोलता हूँ आप ये करो, क्योंकि मैं मुझे कितने क्लाइंट चाहिए, तो मुझे 12 TOT करने के लिए मुझे करीबन मिनिमम, जो आज हम मैं बोलूं तो मुझे तो आने वाले दिनों में 12 क्लाइंट ही चाहिए, क्योंकि एक क्लाइंट से एक TOT मुझे करना है, मुझे उसके लिए 1200 क्लाइंट नहीं चाहिए, तो मुझे उस तरीके से काम करना है। मैं वो सर्कल में मैंने ऑलरेडी घूमना चालू कर दिया है, उस तरीके से काम करना चालू कर दिया है, तो बाकी के जो क्लाइंट मार्केट में लोग अवेलेबल है वो लोगों को कौन कैटर करेगा, तो हमारे लोग ही कैटर करेंगे और वहां पे जाएंगे विद कॉन्फिडेंस। और ये बॉक्स है और ये बॉक्स बोलता है मनी मास्टरी बॉक्स है, तो यहाँ पे देखो 2 विल लगाए हुए हैं और ब्यूटीफुल किसी के टेबल पे भी रख दिया। और मेरे एडवाइजर्स फ्रेंडों ने ये हितेश शाह करके है उसने बनाया है, भारद्वाज करके है बैंगलोर से एडवाइजर उसने बनाया है, दिलीप करके है जो पूना से एडवाइजर है, जो TCS में काम करते थे, मेरे सेशन अटेंड करने के बाद उसने वो TCS का जॉब छोड़ दिया, आज इतना खुश है वो आदमी और जो है मल्टीपल MDRT COD करने लगा और काफी अच्छा इनकम करने लगा। तो ये बॉक्स किसी के सामने रखा और ऐसे ओपन होता है और यहाँ पे मैंने मेरे सारे बुक्स के फोटोज डाले हुए हैं और यहाँ पे मनी मास्टरी का नोट लिखा हुआ है, तो इससे क्योंकि जो दिखता है ना वो बिकता है। तो ये मैं लोगों को बताता हूँ सिखाता हूँ। यहाँ पे एक बुक है वर्किंग विद चॉइस और वर्किंग विद कंपल्सन। अभी आपको क्या लगता है सर, मैं देखो हमारा ये बात नहीं हुआ, मैं आपको पब्लिक में पूछता हूँ, आपको क्या लगता है इंडिया का कितना परसेंटेज जो लोग है सुबह में 9 बजे एक्साइटेड है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे काम करना है, तो उनका वर्किंग विद चॉइस, वो फुंगसू वांगड़ू जैसे जो लोग है, अभी 2 दिन पहले मैं 3 Idiots वापिस में 100वीं बार देख रहा था, तभी मैं देख रहा था फुनसुक वांगड़ू, एक एक डायलॉग मुझे बायहार्ट हो चुके उसके, तो फुनसुक वांगड़ू जैसे लोग जो है जो एक्साइटेड है काम करने के लिए, वैसे कितने परसेंटेज होते हैं? करेक्ट, आपके हिसाब से कितने, 900 में से कितने परसेंटेज होते हैं? 100 में से मुझे ऐसा लगता है कि जो काम के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होते रहेंगे ऐसे 40% से ज्यादा लोग नहीं होंगे, 30-40% से ज्यादा लोग नहीं। आपने बहुत बता दिया, इतने सारे लोग जो है अभी उसके बैंक में, मैंने आज बैंक में देखो भगवान ने भी कितना ब्यूटीफुल क्रिएशन किया हुआ है कि आपको एवरीडे उठ के काम पे जाने, तो आप क्या करोगे, आप करोगे क्या? आज जो डॉग है या आज जो शेर जो है उसको करना क्या है, हंटिंग करना है, खाना है, पीना है, सोना है, लेकिन ह्यूमन को यहाँ पे माइंड दिया हुआ है। अभी आज मैं क्लाइंट को पूछता हूँ और मैंने ये बुक में लिखा भी है, आप देखोगे तो यहाँ पे है ऑलरेडी, और मैंने लिखा है व्हाट इफ आई गिव यू 100 crores राइट नाउ। समझो बिजनेसमैन है, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 50 करोड़ का टर्नओवर करता है, मैं बोलता हूँ मैंने आज ही 100 करोड़ रुपया सर आपके बैंक में डाल दिया, आप कल से क्या करोगे? और किसी ने ये सोचा नहीं,
तो कोई मुझे आज तक नहीं बोला कल भी मैं 9 बजे जाऊं और मैं रात को 9 बजे आऊंगा। अभी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। तो मनी जो है ना इस तरीके से जो काम करता है आपको, तो पैसा किसके पास आएगा? जो पैशनेट है, जो पागल है। और मेरे गुरु ने कहा है क्रेजी पीपल क्रिएट हिस्ट्री एंड वाइज पीपल रीड हिस्ट्री। तो ये आपको बहुत ही धनवान बनना है तो आपको क्रेजी बनना है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक दीपक जी, फैंटास्टिक। ये कुछ समय का जो इंटरव्यू रहा, जो हमने बातें की, माइंड ब्लोइंग। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग को जो है वो चकरा देगी, बिकॉज ऐसी बातें हर व्यक्ति जो है वो सुनता नहीं है, हर व्यक्ति ऐसी बातें करता भी नहीं है। और आपने कुछ ऐसी बातें कर दी हैं इस वीडियो को देखने के बाद, ज़रूर कई सारे लोगों का सर चकरा गया होगा। लेकिन मैं आपको दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर की है। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो जो है क्रांति करने का काम फाइनेंशियल इंडस्ट्री में करेगा। बहुत सारे लोग इसे देखकर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो अंत में मैं अपने दर्शकों के पास आना चाहता हूं और दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, यू नो आपके विचार क्या है इस वीडियो के बारे में, कमेंट्स में लिखकर आप हमें बताइएगा। साथ ही में ये वीडियो बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये वीडियो की इंफॉर्मेशन उनकी जानकारी को, उनके मोटिवेशन को बढ़ाने का बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पहचान में जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, आप उनके साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। भविष्य में आप हमसे किस प्रकार का कंटेंट चाहते हैं, किस प्रकार के वीडियो आप हमसे अपेक्षा करते हैं, कमेंट्स में लिखकर आप हमें ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, इसीलिए मैं हक से आपको बोल सकता हूँ कि आप जब भी हम ये देखते हैं कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी एनर्जी को बहुत बढ़ाते हैं। तो हमारी एनर्जी को बढ़ाने में आप अपना भी योगदान दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।